दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं पहले। الحمد لله الذي نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم انفعنا بما علمتنا وانفعنا वज़ीदना इल्मा आमीन या रब्बल आलमीन। अब इखलास नियत की दुआ, आप अल्लाहुम्मा इहदी, पहले ज़बान की दुरुस्ती की दुआ पढ़ लेते हैं। अल्लाहुम्मा इहदी कल्बी वसद्दिद लिसानी वसलुख सखीमत कल्बी। अपनी नियतों को खालिस कर लें अल्लाह के लिए। तो हम दुआ पढ़ते हैं स्क्रीन पर से देख के, अल्लाहुम्मा इज्अल अमली कुल्लुहु सालिहुं वजअलहु ली वजी का खालिस हूँ वला तजअली अहदिन फीही शैया। ए बना दे और उसे अपने चेहरे के लिए खालिस कर ले और उसमें किसी एक के लिए भी कोई हिस्सा ना रख। तो इंशाल्लाह हमारी सूरतुन निसा तो इख्तिताम को पहुँची थी पिछली दफ़ा, तो हम अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह शुरू करेंगे सूरतुल माईदा। तो पहले हम उसकी तिलावत सुन लेते हैं सूरह अल-माईदा की इंशाअल्लाह।
तो हमने तिलावत सुनी पहली सूरतुल माईदा आयत नंबर 1, 2, 3 की। तो हम स्टार्ट करते हैं सूरतुल माईदा। तो माईदा का मानी है दस्तरखान, खाने का ख्वान, जैसे हम बिछाते हैं ना नीचे दस्तरखान, तो उसको कहते हैं माईदा, अल माईदा। इस सूरत का नाम 15वीं रुकू की आयत हल यस्ततीउ रब्बुका अन युनज़्ज़िला अलैना माईदतम मिनस समाई के लफ्ज़ माईदा से माखूज़ है, जहाँ हवारियों ने ईसा इब्ने मरियम से कहा था कि क्या आपका रब आसमान से हमारे लिए खाने का एक ख्वान उतार सकता है। ये हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलाम से कहा था, तो इसी से इसका नाम है अलमायदा। ये मदनी सूरत है, सूरतुल फत्ता के बाद नाजिल हुई, सुलह उदैबिया के बाद नाजिल हुई, और इसमें ये मदनी सूरत है, आखिरी दौर में नाजिल हुई, इसका कोई हुक्म भी मनसूख नहीं। स्क्रीन पे देखें आप लोग, इसमें ईमान वालों को ख़िताब करके बात शुरू की गई है। कुरान मजीद में 88 दफ़ा 88 बार या अय्युहल्लज़ीना आमनू कहा गया है, जिनमें 16 दफ़ा इस सूरत में आया है। इस सूरत में या अय्युहल्लज़ीना आमनू 16 दफ़ा आया है। वैसे कुरान मजीद में 88 बार पूरे कुरान में आया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, यानी ये वो सूरत है जिसमें सबसे ज़्यादा ईमान वालों को पुकारा गया है। इसके 16 रुकू हैं और 120 आयात हैं, 12,464 हरूफ हैं, 12,466 हरूफ हैं इसके। फिर हम देखते हैं कि ये इसमें जो है अलयौमा आयत जो है ना, आखिरी आयत अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, आज के दिन मैंने तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया, इस सूरत में है। इसमें ख़ास तौर पर हलाल और हराम के बारे में अहकामात हैं। तो हम इसको शुरू करते हैं आयत नंबर 1 के वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन से, लफ्जी तर्जुमे से इंशाल्लाह मैं पढ़ती हूँ लफ्जी तर्जुमा। या अय्युहल्लज़ीना, ऐ लोगो जो आमनू ईमान लाए हो, औफू पूरा करो, बिलअक़ूद अहदो पैमान को, उहिल्लत हलाल कर दिए गए, लकुम तुम्हारे लिए, बहीमतु चौपाए, अल अनआमी मवेशियों के, इल्ला सिवाय मा उनके जो, युतला पढ़े जाएंगे, अलैकुम तुम पर, गैरा ना मुहिल्ली हलाल करने वाले हों, असईदी शिकार को, वान तुम जबकि तुम हुरुम हालत एहराम में हो, इन्ना बेशक अल्लाह अल्लाह याकुमु वो फैसला करता है, माँ जो युरीद वो चाहता है। अब इसका रवा तर्जुमा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो नहायत मेहरबान, जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम फरमाने वाला है। ऐ ईमान वालो, अहदो पैमा पूरे करो। अब यहाँ क्या मतलब है, या लजीना आमनु औफू बिलअक़ूद, ऐ ईमान वालो अहदो पैमा पूरे करो। तो अक़ूद, अक़ूद अख्त की जमा है, ये जो है ना कि या लजीना आमनु औफू अक़ूद, और वफ़ा आप समझते हैं ना, वफ़ा किसी से वफ़ा करना, शोहर बीवी से वफ़ा करे, बीवी बच्चे से शोहर से वफ़ा करे, कहीं एम्प्लॉई है तो वो वफ़ा करता है, वफ़ादारी से काम करता है, औफू पूरा करना, वफ़ा करना। तो ऐ ईमान वालो पूरा करो बिलअक़ूद अहदो पैमान को। तो अक़ूद अक़द की जमा है, और निकाह का भी अक़द होता है ना, अक़द निकाह, आपने सुना ना अक़द निकाह, तो जिसके मानी गिरा लगाने के होते हैं। इसका इस्तेमाल किसी चीज़ में गिरा लगाने के लिए भी होता है, और पुख्ता अहदो पैमान करने पर भी होता है, जैसे हम प्रोमिसज करते हैं ना। यहाँ इससे मुराद अहकाम इलाही हैं, इलाही है जिन पर अल्लाह ने इंसान को मुकल्लफ़ ठहराया है। तो अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं उकूद से मुतालिक, क्या है कि अहकाम जो अल्लाह ताला कमांड्स देते हैं उसके हम मुकल्लफ़ हैं कि वो हमें पूरा करने हैं तमाम इंसानों को, और अहदो पैमान और मामलात भी हैं जो इंसान आपस में करते हैं। तो उकूद जो है उसके लिए भी आता है, उन वादों के लिए जो इंसान इंसान से आपस में करता है, कोई भी हो, तिजारती हो, कोई भी लेन देन का हो, बिजनेस का हो, कोई भी वादा हो, दोनों का इफ़ा ज़रूरी है। अल्लाह से किए हुए वादे अहदो पैमान भी, उकूद भी, अख़द भी, और इंसानों के साथ किए हुए भी, दोनों को पूरा करना ज़रूरी है। तो फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु औफू बिलअक़ूद, ए ईमान वालो अपने पूरे करो, अपने प्रॉमिसेस पूरे करो।
ये इसमें बताया गया। अच्छा, अनस बिन मालिक कहते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे जुमे का खुतबा देते हैं, ईद का खुतबा देते हैं, तो खुतबा दिया रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और खुतबे में फरमाया उस शख्स में ईमान नहीं जिसमें अमानत नहीं और उसका दीन नहीं। अगर हम अहद पूरे नहीं करते, प्रॉमिसेस को पूरे नहीं करते, वादे पूरे नहीं करते, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, अनस बिन मालिक से रिवायत है कि उसका दीन ही नहीं जिसमें अहद की पाबंदी नहीं, तो वो उसका दीन ही नहीं जो प्रॉमिसेस पूरे नहीं करता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो कौम अहद शिकनी करती है यानी वादों को तोड़ती है, प्रॉमिसेस को तोड़ती है, उसमें कत्लो गारत फैल जाता है। और आज मेरी बहनों हम देख रहे हैं कि क्या हाल है, कत्लो गारत कितना है। मरने हुआ मकतूल को नहीं पता कि मारा क्यों गया, कातिल को ये नहीं पता कि मारता क्यों। अहद शिकनी करती है, जो कौम अहद को तोड़ती है, वादों को शिकन करती है, प्रॉमिसेस को तोड़ती है, उस पर उसके दुश्मन को मुसल्लत किया जाता है। और आपके सामने है मुसलमानों का कश्मीर में और सारी जगहों पे क्या हाल होता है, तो सब पे दुश्मन मुसल्लत है, कातिल कुव्वतें मुसलमानों पे टूट पड़ी है, ऐसे कि जैसे भूखा दस्तरखान पे टूट पड़ता है, ऐसे टूट पड़ी है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं आयत का दूसरा हिस्सा, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए। तो यही वो अहकाम अल्लाह ताला ले रहे हैं, वादे ले रहे हैं, तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए हैं। उहिल्लत लकुम बही मतुल अनाम, कि तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए। तो बही मतुल अनाम क्या है, बही मतुल अनाम ये बहीमत कहते हैं, बहीमा कहते हैं चौपाए, चौपाए का मतलब चार टांगों वाले जानवर को कहा जाता है। बहीमा किसको कहते हैं, चार टांगों वाले जानवर को कहा जाता है। इसका मादा बा हामीम है, इसका रूट वर्ड है बा हामीम बहम, यानी कि इबहाम है। बास का कहना है कि इनकी गुफ्तगू और अकल और फहम में चूँकि इबहाम है, इसलिए उनको बहीमा कहा गया जाता। जानवरों को बहीमा क्यों कहते हैं, क्योंकि उनकी गुफ्तगू, उनकी बातचीत, उनकी अकल, उनका इंटेलेक्ट, उनके दिमाग भेजा अकल में इबहाम है, वो कुछ नहीं समझते, मतलब सिर्फ इतना सा उनका दिमाग चलता है कि खाया पिया, घास चरा, कचारा चरा, अपना पेट भरा, बच्चे पैदा किए, तो जानवरों की जिबिल्लत हो गई। इसीलिए आपने अक्सर सुना होगा कि फला इंसान तो इंसान ही नहीं जानवरों की जिबिल्लत जीता है, बस सिर्फ अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है। तो इबहाम है इनकी अकल में, इसलिए इनको बहीमा कहा गया। तो बहीमतुल अनाम, उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, आपके सामने आयत है कि तुम्हारे लिए मवेशी चौपाए हलाल किए गए, बहीमतुल अनाम। ठीक है, तो अब क्या है वो जो हमारे लिए हलाल किए गए हैं। अनाम जो है ना, ऊंट, गाय, बकरी और भेड़ को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऊंट, गाय, बकरी और भेड़ को। क्या कहते हैं, दो फीमेल फीमेल हो ना, तो आठ जानवर जो होते हैं उसको बहीमतुल अनाम कहा जाता है। नर और मादा मिलाकर आठ किस्में, तो नर और मादा मिलाकर आप कुरान में पढ़ेंगी कि आठ किस्में होती, तो आठ कैसे हो गए, दो गाय मेल फीमेल, दो बकरी मेल फीमेल, दो भेड़ मेल फीमेल, दो ऊंट बेल भेड़ मेल फीमेल, नर और मादा। ठीक है, तो अनाम ऊंट, गाय, बकरी और भेड़ को कहा जाता है क्योंकि इनकी चाल में नरमी होती है। तो बही मतुल अनामी नर मादा मिलकर आठ किस्में हैं, जिनकी तफसील सूरत इनाम आयत 143 में भी आएगी। अभी तो हम आयत 1 पढ़ रहे हैं। इलावा अजी जो जानवर वैशी कहलाते हैं, आपने सुना है वाइल्ड बीस्ट, वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर, तो जो जंगली जानवर हैं उसमें हिरन, नील गाय वगैरह, हिरन को भी जंगली जानवर कहते हैं, नील गाय को भी जंगली जानवर कहते हैं। देखिए आपके उस पर आ गए भाई, भाई जी साइमा जी वो उज्मा जी, हमारी तो कुर्बानी भी आ रही है, बकराईद भी आ रही है, तो इन्होंने अच्छे अच्छे जानवर भी हमें दिखा दिए। तो आयत जैसे कि आयत आ रही है उस तरह वो दिखा रही है माशाल्लाह में। तो हिरन और नील गाय जो है ना वहशी जानवर है, वाइल्ड बीस्ट है, जंगली जानवर वगैरह, जिनका अमूमन शिकार किया जाता है। तो इनको हंटर्स जो होते हैं, शिकारी होते हैं, उसको हंट करते हैं, इसका शिकार करते हैं। किसका शिकार करते हैं, हिरन और नील गाय का, जंगल में जाके। तो नील गाय और हिरन भी हलाल है, इसको भी खा सकते हैं। बहीमतुल अनाम यानी चौपाए, बहीमतुल अनाम ऊंट, गाय, बकरी, भेड़, ये तो हलाल है, ये सबको पता है। बकरीद में हम इनको ज़िबा करते हैं, वैसे भी हम खाते हैं इसको। लेकिन जो वहशी जानवर है ना, हिरन और नील गाय, ब्लू काओ एंड डियर, DWR डियर, ब्लू काओ एंड डियर,
और वो जो आठ थे वो उनमें से क्या था, काओ गोट शीप एंड कैमल, ठीक है। तो अब बात हो रही थी वैशी जानवर की, नील गाय जो है, हिरन और नील गाय को भी खा सकते हैं जिनका अमूमन शिकार किया जाता है, ये भी हलाल है, ये दो जानवर भी हलाल है। अलबत्ता हालत एहराम में इनका और दीगर परिंदों का शिकार ममनू है, लेकिन अगर आपने एहराम बांध लिया है, उमरा और हज की नीयत कर ली है, अभी आप हरम शरीफ में खड़े हैं, मक्के में हैं, तो हालत एहराम में अभी आप जो है शिकार नहीं कर सकते, ठीक है। तो सुन्नत में बयान करदा उसूल की रूह से जो जानवर जू नाबिन जो जानवर होते हैं, ठीक है, अब स्क्रीन पे देखिए, जू नाबिन जो जानवर होते हैं, सुन्नत में बयान करदा उसूल की रूह से जो जानवर जू नाबिन और जो परिंदे जू मिखलबिन नहीं है, वो सब हलाल है। तो कौन से जानवर जू नाबिन जानवर होते हैं और बर्ड्स जो होते हैं जू मिखलफिन होते हैं, वो हलाल नहीं। अब उसको समझिए कि जू नाबिन कौन से जानवर हैं और जू मिखलफिन कौन से परिंदे हैं, जो वो सब हलाल है। जैसा कि सूरतुल बकरा में भी हम पढ़ चुके हैं 173 में, तो जू नाबिन का मतलब है वो जानवर जो अपनी कुछली के दांत से अपना शिकार पकड़ता हो। कौन से जानवर? जो अपनी कुछली के दांत से अपना शिकार पकड़ता, आपको पता है ना जानवर भी जो है जानवरों को खाते, शिकार करते हैं, तो वो जू जू नाबिन जो है वो जानवर होता है जो अपनी कुछली के दांत से अपना शिकार पकड़ता है। किसको पकड़ता है, किसको पकड़ता है, चीर, कौन पकड़ता है, पकड़ता और चीरता है, जैसे शेर, चीता, कुत्ता, भेड़िया, ये जू नाबिन जानवर हैं जो अपनी कुछली की दांत से अपना शिकार पकड़ते हैं। शेर, चीता, कुत्ता, भेड़िया, इनको हम नहीं खा सकते, ये जू नाबिन है, ये हराम है। क्यों हराम है? क्योंकि ये अपनी कुछली के दांत से अपना शिकार अपने दूसरे जानवर पकड़ते हैं और उसको चीरते हैं। तो और वो कौन से जानवर है? जू नाबिन, शेर, चीता, कुत्ता, भेड़िया वगैरह, उसको हम नहीं खा सकते, वो हराम है। और जू मिखलबिन का मतलब है वो परिंदा, वो बर्ड्स, वो उड़ने वाले बर्ड्स जो अपने पंजे से अपना शिकार झपटता हो, पकड़ता हो, मसलन शिकरा, बाज, शाहीन का इकाब, ये परिंदे हम नहीं खा सकते। कौन से? शिकरा, बाज, शाहीन और इकाब। इकबाल ने इस पे शाहीन पे कहा है ना, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में, ठीक है। तो मुझे शेर याद आ गया, एक मिसरा याद आ गया, दूसरा मिसरा आप लोग पूरा कर दीजिएगा, इतनी मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ पोइट्री में, बट एनी हाउ इट केम इन माई माइंड एंड आई सेड। तो जो है शाहीन की परवाज़ अच्छी होती है ना, उस पर बड़े अच्छे शेर अल्लामा इकबाल ने कहे। तो अब ये परिंदे हम क्यों नहीं खाएंगे, बाज, शिकरा, शाहीन और इकाब? क्योंकि ये जू मिखलबीन है, यानी ये वो परिंदे जो अपने पंजे से अपना शिकार झपटता है, पकड़ता है, ठीक है। ये क्या करता है, अपने पंजे से अपना शिकार पकड़ता है, झपटता है। अब इस आयत नंबर ये 1 थी, इसकी हम और मजीद तफसील देख लेते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ऊफू बिल उक़ूद, ए लोगो जो ईमान लाए हो, बंदिशों की पूरी पाबंदी करो, अपने अक़द की पाबंदी करो, अपने अहदो पैमान की पाबंदी करो, उनको वफा करो, ऊफू करो, पूरा करो अपने प्रोमिस को, यानी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल किया उनको हलाल समझो, यानी अल्लाह ताला का ये उक़ूद है, ये वादे, ये गिरा बांधी अल्लाह ने, ये हमें उक़ूद दिए, यानी अल्लाह ताला ने जिन चीज़ों को तुम्हारे लिए हलाल किया उनको हलाल समझो, और जिन्हें हराम किया उन्हें हराम समझो, अल्लाह के नाम पर जो अहदो पैमान तुम करते हो उनको पूरा करो। और बार दफ़ा अल्लाह के नाम पे भी हम कोई वादे करते हैं ना, उनको पूरा करो। उहिल्लत लकुम बहीमतुल अनाम, तुम्हारे लिए मवेशी की किस्म के सब जानवर हलाल किए गए हैं, सिवाय उनके जो आगे चलकर तुमको बताए जाएंगे, आगे और भी आयत आएंगी, लेकिन अहराम की शक्ल में उमरा के लिए जा रहे हैं, हज के लिए जा रहे हैं, तवाफ़ करने जा रहे हैं, अब अहराम बांध लिया है मर्दों और औरतों ने, तो अहराम की शक्ल में शिकार को अपने लिए हलाल ना करो, अहराम बांध के हम शिकार नहीं कर सकते। अल्लाह सुबहाना ताला बाज़ इबादात के मौके पर हम पर कुछ हुरमतें कायम की हैं जिनकी पाबंदी ज़रूरी है, मसलन नमाज के वक्त क्या कुछ हुरमत है, क्या हराम किया गया? बातचीत नहीं करना, खाना पीना नहीं है, इधर उधर नहीं देखना, चलना फिरना नहीं, ये कुछ पाबंदियां हैं जो नमाज की हालत में हम पर लगाई गई हैं। ये काम आम जिंदगी में आसानी से किए जा सकते हैं और हराम नहीं है, हलाल है, लेकिन नमाज की हालत में ऐसा करना दुरुस्त नहीं, उससे रोका गया है, हराम है।
इसी तरह हज के मौके पर कुछ जो हज के मौके पर कुछ जो काम आम दिनों में हलाल होते वहाँ पर हराम कर दिए गए। हालत अहराम में तो हमें इन हुरमतों की पाबंदी करना हो गई और इसमें ख़ास तौर पर हालत अहराम में शिकार करना मना कर दिया गया। क्यों, किसका फ़ैसला है? अल्लाह का। इन अल्लाह याहकुमु मा युरीद, बेशक अल्लाह जो चाहता है वो फ़ैसला करता है। यानी किसी इंसान को कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। हकीकत यह है कि अल्लाह सुब्हान तआला ही अल हकम है। ठीक है, तो ये हमारी आयत नंबर 1 कंप्लीट हो गई। इंशाअल्लाह आयत नंबर 2 शुरू करते हैं हम। आयत नंबर 2 जी, आयत नंबर 2 वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन मैं पढ़ती हूँ इंशाअल्लाह। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो आमनू, ईमान लाए हो, ला तुहिल्लू, ना तुम हलाल करो, शाइरल्लाही, शाइरा निशानियों को, शाइरा मत कहिएगा, शीन और अलिफ के बीच में आइन है, शा शाइरल्लाही बोलें, सब लोग कोशिश करें, शाइरल्लाही, शाइरा निशानियों को, अल्लाह अल्लाह की, व और ला नहम, शीन और अलिफ के बीच में जो आइन आता है उसको खा जाते हैं तो शायरा निशानी, शायरा निशानियों को, अल्लाह ही अल्लाह की, व और ला ना, अशहरा मा, अल हरामा हराम को, व और ला ना, अल हदिया कुर्बानी के जानवर को, वला, व और ला ना, अल कलाइदा पट्टे वाले जानवरों को, वला और ना, आमीना इरादा करने वालों को, इसको आप पढ़ेंगी आमीना इरादा करने वालों को, अल बैत अल हरामा, अल बैता बैत घर, अल हरामा अल हराम का यानी खाने काबा, मस्जिदुल हराम कहते हैं ना उस मस्जिदुल हराम, यबतगूना जो चाहते हैं, फदलन फदल, मिन रब्बिहिम अपने रब की तरफ से, व रिदवानन और रदामंदी, व और इज़ा जब हलल तुम हलाल हो जाओ, तुम फस्तादू तो शिकार करो अगर तुम चाहो, वला और ना, यजरिमन्नकुम आमादा करे तुम्हें, शनानुन ये है, शनानुन नहीं कहेगा, शनानुन, ठीक है, शीन नून फिर अलिफ है तो अलिफ को नहीं खाए जाएंगे मैं और आप, शनानु शनानु, आज जाके ये सूरतुल माईदा आपने पढ़नी है और जिस तरह मैं कह रही हूँ इस तरह करेक्शन करके पढ़ना है, शनानु दुश्मनी, जिनको आता है तो उनका तो रिवीजन हो गया, आता सबको है लेकिन क्या होता है, सबको आता है, मुझे भी आता है, ये मिस्टेक मुझसे भी हो जाती है, जल्दी में हम जो है ना खा जाते हैं अल्फ़ाबेट्स को, शनानु दुश्मनी, कौमिन किसी कौम की, अन के सद्दूकुम उन्होंने रोका तुम्हें, अनिल मस्जिदिल हरामी मस्जिद हराम से, अन के ता तदू तुम ज्यादती करो, व तावनु व और तावनु तावुन करो, अलल बिर्री नेकी पर, व तकवा और तकवा पर, वला और ना, तावनु तुम तावुन करो, अलल इस्मी गुनाह पर, वल उद्वानी और ज्यादती पर, वत्तकू और डरो, अल्लाह अल्लाह से, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह शदीदु सख्त है, अलिकाब सज़ा वाला है। आयत नंबर 2 सूरतुल माईदा रवा तर्जुमा। ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के शायर की बेहुरमती ना करो। यानी इस हिस्से में बताया जा रहा है कि शायरा शहीरतुन की जमा है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाही, ए ईमान वालो, अल्लाह ताला के शायर की बेहुरमती ना करो। शायर शहीरतुन की जमा है, इससे मुराद हुरमात अल्लाह है, जिनकी ताज़ीम व हुरमत अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमाई है। बाज़ ने इसे आम रखा, बाज़ के नज़दीक यहाँ हज व उमरा के मनासिक मुराद हैं, यानी उनकी बेहुरमती और बेतौकीरी ना करो। इसी तरह उम्रे की अदायगी में किसी के दरमियान रुकावट भी मत बनो कि ये भी बेहुरमती है, तो शायर अल्लाह जो है उनकी बेहुरमती नहीं करना है। उसके बाद फरमाया ना अदब वाले महीनों की, जो अदब वाले महीने हैं उनकी भी बेहुरमती नहीं करनी है। अशहरुल हरामो, यानी अशहरुल हरामो क्या है, अदब वाले महीने, मुराद इससे जिनसे यानी हुरमत वाले 4 महीनों रजब, जुलकादा,
जुलिज्जा और मुहर्रम, ये हुरमत वाले महीने, तो रजब, जुल्कादा, जुलहिज्जा और मुहर्रम की हुरमत बरकरार रखो, उनमें कत्ल मत करो। तो ये ज़माने जाहिलियत में भी ये इनकी हुरमत ही रजब, जुल्कादा, जुल्कादा और मुहर्रम में, तो उन उसकी जो है उसका एहतराम करना है, तो उनको कहा जा रहा है कि उसको कत्ल ना करो। उसके बाद तीसरा हिस्सा है आयत का, हम देखते ना हुरम में कुर्बान होने, ना हरम में कुर्बान होने वाले और पट्टे पहनाए गए जानवर की जो काबा को जा रहे हों, उनकी भी हुरमत का ख्याल रखना है। तो फरमाया कि वलल हदा, वलल हदा, तो हदी, हदी ऐसे जानवरों को कहा जाता है जो हाजी हरम में कुर्बान करने के लिए साथ ले जाते हैं। तो फरमाया कि कलाइदा, कलादतुन की जमा है, इसमें आया है ना वर्ड कलादा का, कि पट्टे, क्योंकि जिस जानवर को उन्होंने कुर्बान करना होता था तो उसके गले में कलाइदा, कलाइद डाल देते थे, पट्टे बांध देते थे निशानी के तौर पर कि ये अब कुर्बानी के जानवर है। वलल हदिया और ना कुर्बानी के जानवरों को, वलल कलाइदा और ना पट्टे वाले जानवरों को, इन सब की हुरमत का ख्याल रखना है, ठीक है। तो हदी, हदी ऐसे जानवर को कहा जाता है जो हाजी हरम में कुर्बान करने के साथ के लिए साथ ले जाते हैं, और कलायदा, कलादतुन की जमा है जो गले के पट्टे को कहा जाता है। यहाँ हज या उम्रे के मौके पर कुर्बान किए जाने वाले उन जानवरों को मुराद लिया गया है जिनके गलों में अलामत और निशानी के तौर पर कलाइद और जो पट्टे डाल देते थे, तो निशानी के तौर पर जूते या पट्टे डाल दिए जाते थे। बस कलाइद, कलाइद से मकसूद वही जानवर है, वही जानवर हैं जिन्हें हरम में ले जाया जाता था। ये हदी की मजीद ताकीद है, मतलब ये है कि इन जानवरों को किसी तरह छीना जाए ना, उसके उनके हरम तक पहुंचने में कोई रुकावट खड़ी की जाए, इनका एहतराम किया जाए, उसकी चोरी ना किया जाए, कुर्बानी के जानवरों को ना जो छीना झपटी किया जाए, ना हरम तक जाने से रोका जाए। आजकल तो हरम में नहीं हो रही है, ज़ाहिर है कुर्बान गाहों में हम जाते हैं हज में, तो कुर्बान गाहों में जो उसकी जो कुर्बानी होती है। फिर आगे फरमाया गया, और फरमाते इस आयत में हम देखते हैं आयत का और हिस्सा, और ना उन लोगों को जो बैतुल्ला के कसद से अपने रब ताला के फजल और उसकी रजाजोई की नीयत से जा रहे हों, तो उनका भी एहतराम करना, यानी हज उम्रे की नीयत से या तिजारत और कारोबार की गर्ज से हरम जाने वालों को मत रोको ना उन्हें तंग करो। बाज़ मुफस्सिरीन के नज़दीक ये अहकाम उस वक्त के हैं जब मुसलमान और मुशरिक इकट्ठे हज उम्रा करते थे, लेकिन जब आयत इन्नल मुशरिकी मुशरिकूना नजसुन फला युकर्रिबुल मस्जिदल हरामा बादा आमिहिम हाजा, सूरह तौबा की आयत नंबर 28 नाजिल हुई कि मुशरिक तो पलीद हैं, पर इस बरस के बाद वो खाना काबा के पास ना जाने पाए, नाजिल हुई तो मुशरिकीन की हद तक ये हुक्म मनसूख हो गया। बास के नज़दीक ये आयत मोहकम यानी गैर मनसूख है, और ये हुक्म मुसलमानों के बारे में है, मुशरिकनों के लिए नहीं है, मुसलमान, क्योंकि मुशरिक तो जा ही नहीं पाते वहाँ, तो उनके रास्ते ही अलग है, अगर जॉब और ड्यूटीज़ हैं तो उनके रास्ते अलग है, और मुसलमानों का अलग हाईवे है, मतलब वहाँ पे मुशरिक नहीं जा सकते। जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, उनकी दुश्मनी तुम्हें इस बात पर आमादा ना करे कि तुम हद से गुजर जाओ। अभी शायद में ये बताया जा रहा है कि नंबर 4, हाँ जब तुम अहराम उतार डालो तो शिकार खेल सकते हो। अभी पहले पाबंदी थी ना कि अहराम की हालत में शिकार नहीं खेल सकते खाना मक्के में, तो जो है जब हमारे मनासिक पूरे हो जाएं और हम सारे मनासिक हज उमरे के अदा कर लें और फिर अहराम खोल लें, तो फरमाया गया कि यहाँ अमर ये बात बताई जा रही है कि यानी जब तुम अहराम खोल दो तो शिकार करना तुम्हारे लिए जायज़ है, लेकिन अहराम की हालत में शिकार नहीं करेंगे। उसके बाद 5 और हिस्सा हम देखते हैं, जिन लोगों ने तुम्हें मस्जिद हराम से रोका था, उनकी दुश्मनी तुम्हें उस बात पर आमादा ना करे कि तुम हद से गुजर जाओ। यानी ये बताया जा रहा है कि यानी गो तुम्हें उन मुशरिकीन ने 6 हिजरी में मस्जिद हराम में जाने से रोक दिया था। 6 हिजरी में मुसलमान आप ससम के साथ मक्का गए, मदीना, क्योंकि हिजरत हो चुकी थी, मदीने में हिजरत करके चले गए थे, तो आप ससम की हिजरत के यानी मदीना हिजरत के बाद 6 साल बाद 6 हिजरी में आप ससम के साथ गए थे, मक्का गए थे, मस्जिद हराम गए थे उमरा की नीयत से। तो मस्जिद हराम गए तो उन्होंने, मक्का वालों ने, मुशरिक मक्का ने हराम मस्जिद हराम में जाने से रोक दिया था, खाना काबा में जाने नहीं दिया था।
तो आप अल्लाह ताला फरमा रहे हैं लेकिन तुम उनके इस रोकने की वजह से उनके साथ ज्याती वाला रवैया मत अख्तियार करना। दुश्मन के साथ भी हिल्म और अफू का सबक दिया जा रहा है। ठीक है, उन्होंने ज्याती की, तुम्हें हरम शरीफ में दाखिल नहीं होने दिया, लेकिन उनके साथ भी ज्याती नहीं करी, नेकी ज्याती नहीं करनी, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की इमदाद करते रहो। तआवनु, ये बताया गया ना कि तआवनु अलल बिर्रि व तक्वा, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करते रहो। और फिर फरमाया वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान, और गुनाह और जुल्म और ज्यादती में मदद ना करो। यानी आयत के इस हिस्से में ये बताया जाए कि ये एक नहायत अहम उसूल बयान कर दिया गया जो एक मुसलमान के लिए कदम कदम पर रहनुमाई मुहैया कर सकता है। काश के मुसलमान इस उसूल को अपना लें कि जुल्म और ज्यादती के साथ मत दो, किस पे साथ दो, नेकी और परहेजगारी में एक दूसरे की मदद करते रहो, गुनाह और जुल्म और ज्यादती में मदद ना करो, और अल्लाह ताला से डरते रहो, बेशक अल्लाह ताला सख्त सज़ा देने वाला है। तो अब जो है हम देखते हैं और मज़ीद हम देखते हैं इसको कि बेशक अल्लाह ताला, जी जी आप लोग उस पर देखें, स्क्रीन पे देखें इंशाल्लाह। आयत नंबर 2, व तआवनु अलल बिर्रि व तक्वा वला वला तआवनु अलल इस्मी वल उद्वान। ठीक है, ये हमने पढ़ा था। तो ये अच्छा, अब मैं इसकी ज़रा तफसीर करती हूँ और आयत नंबर 2 की। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाही, ए लोगो जो ईमान लाए हो, खुदा परस्ती की निशानियों को बेहुरमत ना करो। यानी किसी ऐसी निशानी को, किसी ऐसी चीज़ को जिसे देखकर रब की याद आती हो, शाइरल्लाह कहते हैं। शाइरल्लाह किसको कहते हैं? ऐसी निशानी, ऐसी चीज़ को जिसे देखकर रब की याद आती हो, शायर अल्लाह कहते हैं। ए लोगो जो ईमान लाए हो, शायर अल्लाह को बेहुर्मत ना करो। क्या है वो? मक्का है, मदीना है, मुना है, मुजदलफा है, अरफात है, तमाम मसाजिद है। किसी ने दाढ़ी रख ली है, कोई औरत निकाब करती है, तो वो इस्लामिक शायर को फॉलो करते हैं तो उसको देख के अल्लाह की याद आ जाती, तो उसकी बेहुर्मती नहीं करना है। और हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो। वो लोग क्या करते थे कि 4 हराम महीने थे ना, तो उनमें से उनमें जंग जदल और लूट खसूट और चोरी डकैती नहीं करते थे। प्री इस्लामिक ना, जाहिली ज़माना है, जाहिलियत में, इस्लाम से पहले। लेकिन बाज़ दफ़ा महीनों को बदल कर लेते थे कि चलो इस महीने हम कर लेते हैं, और फिर उसको जो अगले महीने किसी जो जो हुरमत वाला महीना है उसमें जंग कर ली, और फिर जो हुरमत वाला महीना नहीं होता था उसको वहाँ शिफ्ट कर लेते थे। तो यही चीज़ बताई जा रही है कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, शायर अल्लाह को बेहुरमत ना करो, ना हराम महीनों में से किसी को हलाल कर लो, ना कुर्बानी के जानवरों पर दस्त दराजी करो, और ना उन जानवरों पर हाथ डालो जिनकी गर्दनों में नज़र अल्लाह की अलामत के तौर पर पट्टे पड़े हुए, कलाइद कलाइद वो लोग बांध देते थे, पट्टे बांध लेते थे। ना उन लोगों को छेड़ो जो अपने रब के फजल और उसकी खुशनूदी की तलाश में मकान मोहतरम खाना काबा की तरफ जा रहे हों। ये सब हुरमत है। हाँ, जब अहराम की हालत ख़त्म हो जाए तो तुम शिकार कर सकते हो। तो इस आयत में भी हुरामात का जिक्र है कि किन किन चीज़ों को अल्लाह ताला ने हराम कर दिया, और हमारे लिए हुक्म किया है कि हम इन हुरमतों की पासदारी करें और उनकी पाबंदी करें। जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम करा दिया है उसे हराम समझे, क्योंकि हुक्म अल्लाह का हुक्म है, इबादत उसी की इबादत है, और हुक्म उसी का हुक्म है, इबादत उसी की इबादत है। इन हुरमतों की पासदारी दरअसल उसकी इबादत के लिए है। इबादत सिर्फ डूज का नाम नहीं है कि ये करो ये करो, इबादत डोंट्स का नाम भी है कि कुछ उमूर मत करो जिनको करने से रोका गया है। तो डू और डोंट्स दोनों होते हैं इबादत में, कुछ को करना है कुछ से रोका गया है। तो डूज जो है करने वाले काम है, डोंट्स जो है नहीं करने वाले काम, कुछ और चीज़ें जिनसे रोका गया है। वला यजरिमन नकुम शनआनु कौमिन अन सुद्दूकुम अनिल मस्जिदिल हरामी अन तातदू व तआवनू अलल बिर्री व तक्वा वला तआवनू अलल इज़्मी वल उद्वान व तक़ुल्लाह इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब। और देखो, एक गुरु ने जो तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद कर दिया था, यानी जब मुसलमान मक्के से मदीना चले गए 6 हिजरी में, तो फिर वापस आने की इजाज़त नहीं थी, हज और उमरा नहीं कर पा रहे थे, मुशरिकीन ने मक्का ने मना कर दिया था, दाखिल होने नहीं दिया। और फिर ख़ास तौर पर सुलह उदैबिया के मौके पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
1400 लोगों को लेकर सिर्फ उमरे के इरादे से निकले तो उनका रास्ता बंद कर दिया गया था। उन्हीं की तरफ इशारा है, अल्लाह ताला इस आयत में समझा रहे हैं कि जिन्होंने तुम्हारे लिए मस्जिद हराम का रास्ता बंद किया था, तुमको महरूम कर दिया, तुम्हें उमरा करने नहीं दिया, तो उसमें तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तइल ना कर दे, इतने तुम मुश्तइल ना हो जाओ, इतने तुम ना भड़क जाओ कि तुम भी उनके मुकाबले में नारवा ज्यादतियाँ करने लगो। अगर कुरान पढ़ने वाले अल्लाह आप सब के साथ जो लोग थे जो दीन को मानने वाले थे, और हम आज जो कुरान पढ़ रहे हैं, वो भी जो हमें साथ दुश्मनी करते हैं, हमें कहीं जाने नहीं देते हैं, हमारे साथ जुल्म करते हैं, तो हम भी नारवा ज्यादतियाँ करने लगे तो फिर उनमें और हम में क्या फ़र्क हुआ। तो यही चीज़ अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, तो जिन्होंने तुम्हें उमरा करने नहीं दिया था 6 हिजरी में, तो उसमें तुम्हारा और सुलह हुदैबिया के मौके पर भी, तो उसमें तुम्हारा गुस्सा तुम्हें इतना मुश्तइल ना कर दे कि तुम भी उनके मुकाबले में नारवा ज्यादती करने लोगों, तो हमें उनसे मुकाबला नहीं करना, ये बताया जा रहा है उन लोगों को। यानी जुल्म नहीं कर सकते, ज्यादती नहीं कर सकते, हाँ जितना कोई तुम्हारे साथ बुरा करता है उसका बदला लेने की तुम्हें इजाज़त है, लेकिन जुल्म को अल्लाह ने हराम करार दिया है तो हुर्मतों की पासदारी करो, नहीं जो काम नेकी और खुदा तरस्ती के हैं उनमें सबसे तावुन करो। व तआवनू अलल बिर्री व तक्वा, बहुत खूबसूरत उसूल है, क्या है कि इस के कोई भी शख्स ख्वाह हमारा दोस्त हो या दुश्मन हो, हमारी पसंद का हो या नापसंद का हो, अगर वो कोई अच्छा काम कर रहा है तो बगैर किसी बायस होने के उसका साथ देना चाहिए। और फिर क्या करना चाहिए, क्योंकि किसी भी इंसान के इंसाफ पसंद होने की अलामत ये है कि वो नेकी खैर भलाई के कामों को प्रमोट करता है, वेलफेयर के कामों को प्रमोट करता है, और जो ये काम कर रहे होते हैं उनके उन जो ये काम कर रहे होते हैं उनकी मदद करता है, उनको सपोर्ट करता है नेकी के कामों में, उनका साथ देता है। और फिर एक और बात, हमें ये नहीं देखना है कि करने वाला कौन है, कोई भी हो, हमें ये देखना है कि वो क्या कर रहा है। अगर कोई भी शख्स अच्छा काम कर रहा है, वो ख्वाह वो तुम्हारी दुश्मन कौम से ही क्यों ना हो, तो तुम खैर और भलाई के काम में उसका साथ दे सकते हो। अगर दुनिया को फ़ायदा पहुंचता है और वो हमारी दुश्मन कौम से है, तो उसका साथ हम दे सकते हैं। और इसकी हमें दलील मिलती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दौरे जाहिलियत में, प्री इस्लामिक पीरियड में, प्री इस्लामिक एरिया में, प्री इस्लामिक इरा में, दौरे जाहिलियत में एक माहदे का हिस्सा बने थे जिसको हल्फुल फजूल कहा जाता है। आप ससन ने फरमाया, अगर आज भी मुझे किसी ऐसे माहदे की दावत दी जाएगी तो मैं इसको कबूल कर लूँगा। यानी अगर गैर मुस्लिम भी किसी ऐसी चीज़ पर इकट्ठे हो रहे हों जो ओवरऑल इंसानियत की भलाई की है, तो उसमें उनका साथ देने में कोई हर्ज नहीं। हाँ, जिस चीज़ से रोका गया वो क्या है, गुनाह और ज्यादती के काम, किसी पर जुल्म करने की बात हो तो उसमें साथ नहीं देना। वला तआवनू अलल इस्मी वल उद्वान, और जो गुनाह और ज्यादती के काम हैं उनमें किसी से तआवुन नहीं करना, गुनाह और ज्यादती के काम में किसी का साथ नहीं देना, गुनाह और ज्यादती के काम में किसी की मदद नहीं करनी। सिर्फ ऐसा नहीं कि गैर मुस्लिम से नहीं, किसी मुस्लिम से भी नहीं करो, किसी मुस्लिम अपने बहन और भाई से भी नहीं करना जुल्म, अपने माँ बाप से भी जुल्म नहीं करना, और अल्लाह से डरो, इसकी सज़ा बहुत सख्त है। आखिर में फरमाया वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, इन्नल्लाह शदीदुल इक़ाब, उसकी सज़ा बहुत सख्त है। अगर अल्लाह पकड़ने पे आए तो उसकी सज़ा बहुत सख्त है। तो कोई भी गलत काम, चाहे वो झूठी गवाही हो, फाशी को आम करना हो, बेहयाई को आम करना हो, किसी भी किस्म की कोई भी गुनाह के काम में किसी की मदद नहीं करनी चाहिए। मसलन बाज़ औक़ात मंगनी हो जाती तो लड़का लड़की आपस में बातें करते हैं, व्हाट्सएप मैसेजेस करते हैं, चलते हैं, फ़ोन चलता है, और उसे आगे भी चीज़ें हैं जिसमें वीडियो कॉल हो जाती है, एक दूसरे को देखना, बातचीत करना, तो ये मंगनी कानूनी माहदा नहीं है, ये निकाह का माहदा नहीं है, जिसके बाद शरीयत इंसान के लिए सब कुछ हलाल करती है, ऐसा नहीं है। निकाह के बाद शरीयत सब कुछ हलाल नहीं, मंगनी के बाद शरीयत को सब कुछ हलाल नहीं करती जब तक निकाह ना हो जाए। कोई भी हद से बड़ी भी बात नहीं की जा सकती। तो वला तआवनू अलल इस्मी वल उद्वान, गुनाह और ज्यादती के कामों में मदद ना करो। वतआवनू अलल बिर्री, किस पे मदद करनी है, वतआवनू अलल बिर्री व तकवा, के नेकी और तकवा के कामों पे मदद करनी।
हदीसे मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे बाद कुछ ऐसे उमरा भी आएंगे। उमरा कहते हैं किसको, जो हाकिम होते हैं, जो रूलर्स होते हैं। मेरे बाद कुछ ऐसे उमरा भी आएंगे जो बहुत झूठ बोलेंगे और जुल्म करेंगे, और ये हो रहा है। ऐसे हाकिम हैं जो झूठ बोलते हैं और जुल्म करते हैं। सो जो आदमी उनके पास जाकर उनके झूठ को सच करार देगा और जुल्म पर उनकी मदद करेगा, ऐसा होता है ना, हम उनके ऑफिस में होते हैं, उनसे उनसे हमारा सब कुछ चल रहा होता है, तो ऐसा ऐसे हाकिम जो होंगे, जो झूठ बोलेंगे, जो जुल्म करेंगे, तो जो आदमी उनके पास जाकर उनके झूठ को सच करार देगा कि हाँ ये तो सच है, जुल्म पर उनकी मदद करेगा, उसका मुझसे कोई और मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, और मेरे पास हौज़े कौसर पर नहीं आ सकेगा, उसको हौज़े कौसर का पानी नहीं मिलेगा, जबकि जिसको पीकर शरबतन हनीयतन मरियतन प्यास ही नहीं लगेगी। फिर फरमाया हदीस मुबारका में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स किसी नाहक मुकदमे में किसी की मदद करे, कोई जस्टिस की बात है, कोई मुकदमा चल रहा है, तो जो शख्स किसी नाहक मुकदमे में किसी की मदद करे वो तब तक अल्लाह की नाराज़गी में रहता है जब तक उसे छोड़ ना दे। तो हक़ के ख़िलाफ़ तो जाना ही नहीं। बार बार सूरतुल निसा में भी यही था कि चाहे वो सच और हक अपने खिलाफ जाता हो तो भी आप बोलेंगे सच, वालदेन के खिलाफ जाता हो, बच्चों के खिलाफ जाता हो, शौहर के खिलाफ, लेकिन आपने हक बात करनी है। ठीक है, अब हम स्क्रीन पे देखते हैं, व तआवनु अलल बिर्री व तक्वा, और ताउन करो, देखिए आपकी उर्दू में भी ताउन है ना, यानी मदद करो, आप देखें इस लफ्ज़ को, लफ्जी तर्जुमे को देखें, व तआवनु और ताउन करो यानी कि मदद करो, अलल बिर्री, बिर कहते हैं नेकी को, व तक्वा और तक्वा पर, ठीक है, किस पे करो मदद, नेकी के कामों पे, तकवा के कामों पे, अलबिर, अबिर में हर तरह की नेकी आ जाती है, ईमान की, अकायद की, इबादात की, अखलाकियात की, मामलात की, सब तरह की नेकी, अखलाक भी आ जाते हैं, आपके लेन देन, आपके मामलात, पड़ोसियों से बिजनेस मामलात हो, बच्चों से, शौहर से, ख़ानदान से, मामलात तो चलते रहते हैं, अखलाकियात, अखलाक बहुत आला होना चाहिए। इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, अल्लाह ताला ने आप सल्लम के फ़रमाया कि नबी आप तो अखलाक के बुलंद मरतबे पर हैं और इबादात भी बहुत उम्दा आला होनी चाहिए। तकवा जब जब अलबिर के मुकाबले पर आए तो इसका मतलब है गुनाहों से बचना। अब आप देखें व तकवा तआवनु अलबिर व तकवा, तो तकवा बिर बिर के मुकाबले पर आया ना, दोनों ऊपर देखें आए, तो इसका मतलब है गुनाहों से बचना। अलबिर का मतलब है नेकी कमाना, बिर बिर के नीचे भी लिखा है ना नेकी पर, तआवनु अलल बिर्री व तक्वा। अब तो आजकल आप ऐनुल यकीन अपनी ऐन से अपनी आँख से देख रहे हैं, हक्कुल यकीन तो कुरान है ना, इल्मुल हा वो तो आप पढ़ ही रहे हैं, और इल्मुल यकीन आपको पता है कुरान जो है का इल्म है, अल्लाह ताला ने भेजा है, और हक्कुल यकीन है कुरान जो है हक़ है। अब आप ऐनुल यकीन भी कर रहे हैं, अपनी आँखों से भी देख रहे हैं, तो दीन दो तरह से मुकम्मल होता है, अपनी तवज्जो मबजूल फरमाएं स्क्रीन पे, अच्छे काम करके, तो अच्छे कामों में क्या आता है, नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करना, और दीन दो तरह से मुकम्मल होता है, अच्छे काम करके यानी कि नेकी के कामों में एक दूसरे की मदद करना, तो तआवनु अलल बिर्री व तक्वा, और गलत काम छोड़कर गुनाह के कामों में एक दूसरे की मदद ना करना। ठीक है, वला तआवनु अलल इस्मी वल उदवान, ये तो रट जानी चाहिए आयत, तो इज्तिमाही तौर पर किए गए कामों में खैर बरकत होती है, तो मिल के सारे काम करें उसमें बरकत होती है, जैसे अगर फंड्स कम हो जाते हैं तो सब मिल के डोनेशन दे किसी गरीब के लिए, किसी के लिए, तो बरकत हो जाती, तो हर मुसलमान पर सदका वाजिब है, अपने हाथ से काम करना चाहिए, और हम यहाँ देखते हैं कि हाथ से काम करने का कितना रिवाज है, कि बुढ़ी से बुढ़ी आप देखें छोटी सी ट्रॉली लेके, एक ब्रेड होगी, एक छोटा सा दूध का पैक होगा, और चल मुझे इतनी अच्छे लगते हैं वो लोग जो ट्रॉली छोटी सी लेके चल रहे होते, किसी ना कि हमारी पट्टी पे, किसी ना ब्लोअर पे, और मैं कहती हूँ कि असल सुन्नत तो यहाँ है कि अपने हाथ से काम करो, कोई नौकर चाकर नहीं, हर मुसलमान, मैं नहीं कहती नौकर चाकर ना रखे, अल्लाह ताला हमें बहुत दे, हम उनकी हेल्प लें, उनके लिए भी रोज़ी का ज़रिया, हर मुसलमान पर सदका वाजिब है, अपने हाथ से काम करे। दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथ से काम करते थे, वो ज़िरा बनाते थे लोहे की, उनके लिए लोहे को नरम कर दिया था, और तमाम अम्बिया ने बकरी चराई है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जियाद के मकाम पर बकरी चराते थे, आप बाब अब्दुल अजीज़ से निकलते हैं तो एक बड़ा हॉस्पिटल था जियाद हॉस्पिटल, तो अब उसकी जगह कुछ और बन गया है, आपको मालूम ही है, लेफ्ट हैंड साइड पे, तो वहाँ उस मकाम पे
बकरियां चराते, जब तो बयाबान सन्नाटा होता था, अब तो बहुत तरक्की हो चुकी है, बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्शन बहुत आला उम्दा पैमाने पे हो गया है ताकि हम सब उसमें जा सकें, बहुत जगह बड़ी कर दी। तो अपनी ज़ात को नफ़ा पहुंचाने वाले काम करने हैं, दूसरों को फ़ायदा पहुंचाने वाले काम कर रहे हैं। इंसान नेकी की तरफ दूसरों की रहनुमाई करता है, यानी दूसरों को गाइड करें नेकी की तरफ कि भाई ये नेकी का काम है, और उनको नेक काम में शरीक करता है। तो जितने लोग इसको करते हैं उनका अजर भी उसको मिलता है जो नेकी की तरफ रहनुमाई करता है, नेकी की तरफ रास्ता दिखाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने भलाई का रास्ता दिखाया तो उसे उतना ही अजर मिलता है जितना उसके करने वाले को मिलता है। तो भलाई की तरफ लाया करें। आज देखें हमारी अस्मा बहन ने हम अपनी जो है देखें उनको अपनी अस्मा उनकी भाभी होती हैं दिल्ली से उनको ले आई हैं, वो दिल्ली से हमारे पास लाइन पे हैं माशाल्लाह माशाल्लाह ना, सबसे पहले वो आ गई थी। तो देखिए अब कितना सवाब मिलता है ना, जो जिसको नेकी की तरफ बुलाएगा तो जो नेकी की तरफ आएगा उसको तो सवाब मिलेगा, बुलाने वाले को भी सवाब मिलेगा। तो अलबिर में हर तरह की नेकी शामिल है, ईमान, अकायद, इबादत, अखलाकियात, मामलात, जो नेकी कमाना और गुनाहों से, जो नेकी कमाता है गुनाहों से बच, जो नेकी कमाना और गुनाहों से बचना है। दीन दो तरह से मुकम्मल होता है, एक तरफ इंसान अच्छे अच्छे काम करे, दूसरी तरफ गलत काम छोड़ दे। व तआवनू अलल बिर्री व तक्वा, ठीक है, नेकी और तक्वा पे मदद करें। और फिर नेकी की मुख्तलिफ अकसाम होती है। अबू मूसा रदे अशारी रदे अल्लाह अनु से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर मुसलमान पर सदका वाजिब है। लोगों ने अर्ज़ किया अगर कोई ना कर सका तो आप सबसे ने फरमाया अपने हाथ से काम करें, अगर सदका नहीं है तो क्या करें, अपने हाथ से काम करें, देने के लिए सदका नहीं है तो इससे अपनी ज़ात को नफ़ा पहुँचाए, सदका करें। लोगों ने पूछा अगर इसकी इस्तेआत ना रखता हो, कोई बूढ़ा है, बीमार है, कमज़ोर है, तो आप सबसे ने फरमाया किसी हाजतमंद परेशान हाल की मदद कर लो। लोगों ने अर्ज़ किया अगर ये भी ना कर सके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया खैर का हुक्म दिया करे या अच्छी बातों का हुक्म दिया करे। लोगों ने अर्ज़ किया अगर ये भी ना हो तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बुरी बातों से रुका करे। सदक़े के लिए पैसे नहीं है वो पूछ रहा है ना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क्या करो, नेकी का हुक्म दो, कह वो भी ना हुक्म से हो सके तो ख़ुद बुरी बातों से रुको। वला तआवनू अलल इस्मी वल उद्वान, क्या करो गुनाह और हद से गुजरने वाले गुनाह और ज्यादती पर ताउन ना करो, ठीक है। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वला ताउनू अलल इस्मी वल उद्वान, और ना तुम ताउन करो गुनाहों पर और ज्यादती के काम। इस्म होता है गुनाह, उद्वान होता है ज्यादती का काम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इसी नाहक मुकदमे में किसी की मुकदमा मदद करे, मुकदमा पता है ना, कोई केस बन जाता है दो आदमियों के खिलाफ, दो आदमी आपस में केस लड़ते हैं, मुकदमा दायर हो जाता है कोर्ट में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स इसी नाहक मुकदमे में किसी की मदद करे वो तब तक अल्लाह की नाराज़गी में रहता है जब तक छोड़ ना दे। नाहक मुकदमा है ना, हक़ पर नहीं है वो मुकदमा, तो उसकी मदद ना करे, अगर मदद करेगा तो तब तक अल्लाह की नाराज़गी में रहता है जब तक उसको छोड़ ना दे। तो वला तआवनू अलल इस्मी वल उद्वान, आप सबसे ने फरमाया जो शख्स इसी नाहक मुकदमे में किसी की मदद करे वो तब तक अल्लाह की नाराज़गी में रहता है जब तक उसको छोड़ ना दे। तो इस्म और उद्वान पे यानी गुनाह और ज्यादती पर हम दुआ सीखते हैं, सबको आती है वो दुआ, तो चले रिवीजन हो जाएगा। जिनको नहीं आती उनके लिए तो चले अच्छी बात है, जिनको आती है उनके लिए तो अच्छी बात है कि उनका रिवीजन हो जाएगा। अल्लाहुम्मा फिली दम्बी कुल्लुहू दिक्कुहू व जिल्लुहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतुहू व सिर्रुहू। अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह, मैं लफ्ज़ी तर्जुमा करती हूँ, एक फिली बख्श दे, ठीक है, जम्बी गुनाह, ठीक है, जम्बी मेरे गुनाह, देखे अल्लाहुम्मा ऐ अल्लाह इग़फिरली बख्श दे, जम जम कहते हैं गुनाह को, बी या आ गया ना जम के साथ, तो मेरे मेरे गुनाह, ठीक है, कुल्लुहू सब के सब मेरे सब गुनाह, दिक्कुहू थोड़े, व और जिल्लुहू बहुत, ठीक है, दिक कुल्लुहू कुल्लुहू सब के सब, दिक्कुहू थोड़े, जिल्लुहू बहुत, अव्वलुहू गुज़िश्ता पहले जो गुजर चुके गुज़िश्ता, व आखिरुहू जो मौजूद हैं, वह अलानियत हूँ जो मैंने ज़ाहिर किए खुले हुए किए, व सिर हूँ छुपे हुए। अल्लाहुम्मा अग़फिरली ज़म्बी कुल्लुहू व दिक्कुहू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिर्रहू। अल्लाह मेरे सब गुनाह को बख्श दे,
थोड़े या थोड़े हों या बहुत, गुज़िश्ता हों या मौजूदा, खुले हों या छुपे, तो सारे इस्म वल उद्वान की बात चली थी ना, वला ताआवनू अलल इस्मी वल उद्वान, किसी का ताउन ना करो, किसी की मदद ना करो गुनाह और ज्यादती पर। आमीन, सब लोग बोले आमीन। चले दुआ मेरे साथ करें और फिर आमीन बोलते हैं। अल्लाहुम्मा फिरली जम्बी कुल, अल्लाहुम्मा फिरली जम्बी कुल्लहू व दिक्कहू व जिल्लहू व अव्वलहू व आखिरहू व अलानियतहू व सिरहू। अल्लाह मेरे सब गुनाहों को बख्श दे, थोड़े हों या बहुत, गुज़िश्ता हों या मौजूदा, खुले हों या छुपे। आमीन या रब्बल आलमीन। अब अगली आयत करते हैं हम लोग इंशाल्लाह। अगली आयत, आयत नंबर 3। आयत नंबर 3 का वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पढ़ती हूँ मैं इंशाल्लाह। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। हुर्रिमत, हराम किया गया, अलैकुम तुम पर, अलमैतता मुर्दार, हम भी मैयत कहते हैं ना, मैयत यानी जो मर गया, जो मुर्दार हो गया, वद्दमा और खून, व लहमा और गोश्त, लहम कहते हैं गोश्त को, अलखिंजीर खिंजीर का, व और माँ जो, उहिल्ला पुकारा गया, ली गैरी वास्ते गैर, अल्लाह ही अल्लाह के, उसको, वल मुनखनिकतु और गला घुट कर मरने वाली, वल मौकूज़तु व और, अल मौकूज़तु चोट लग कर मरने वाली, व और, अल मुतरद्दियतु बुलंदी से गिर कर मरने वाली, व और, अन नतीहतु सींग लग कर मरने वाली, व और, माँ जिसे अकला खा जाए, अस सबू दरिंदा इल्ला मगर, माँ जिसको, जक कई तुम जबा कर लिया तुमने, व और, माँ जो, जुबिहा जबह किया गया, अलन नुसुबी आस्थानों पर, व और, अन ये के, तस तकसिमु तुम किस्मत मालूम करो, बिल अजलामी तीरों पासों के जरिए, ज़ालिकुम ये सब, फिस्क फिस्कुन तो है ना, तो रुक सकते हैं, फिस्क यानी कि कलकला वर्ड है, तो अब काफ़ की आवाज़ बाउंस बैक होनी चाहिए, कुत बजत, काफ तो बा जीम दाल पांच जो है ऐसे अल्फ़ाबेट हैं जो कुत बजत कहलाते हैं, कुत बजत जिस क्या होता है जिसके आखिर में बाउंस बैक हो आवाज़, फिस्क गुनाह के काम है, अलयोमा आज के दिन, यईसा मायूस हो गए, अल्लज़ीना वो जिन्होंने, कफरु कुफर किया, मिन दीनिकुम तुम्हारे, ला तख्शौहुम तख्शौ डरो, तुम हुम उनसे, तख्शौहुम तुम डरो उनसे, व और, अख्शौनी डरो मुझसे, नून के नीचे कसरा आ गया, जेर आ गया तो नी की या की आवाज़ आएगी, इसलिए मैं आ गया मुझसे है ना, नी या की आवाज़ आ रही, वख्शौनी और डरो मुझसे, अलयौमा आज के दिन, अकमल तू मुकम्मल कर दिया मैंने, ये जो है ना, आज के दिन तुम्हारा दिन तुम्हें मुकम्मल हो गया, सूरतुल माईदा में ये आया थे माशाल्लाह, अलयौमा अकमल तू लकुम तुम्हारे लिए, दीनकुम दीन तुम्हारा, व और, ये खुशखबरी सा इस सूरत में, अतमम तू सूरतुल माईदा में, व और, अतमम तू तमाम कर दी मैंने, अतमम तमाम कर दी, मुकम्मल कर दी, पूरी कर दी, कंप्लीट कर दी, तू मैंने, तू कौन है, अल्लाह सुब्हान तआला, अतमम तू मैंने कर दी, तो जब भी तू आएगा तो मैं हो जाएगा, ठीक है, अलैकुम तुम पर, कोई भी तू, मैं भी जो मैं हो, यहाँ पे अल्लाह, अलैकुम तुम पर, नेमती नेमत अपनी, व और, रदी तू पसंद कर लिया मैंने, लकुम तुम्हारे लिए, अल इस्लामा इस्लाम को, दीनन बतौर दीन, फ तो मन जो कोई, अस्तुर्रा मजबूर किया गया, फी मखमसतिन भूख में, गैरा ये मखमसतिन खसासा का लफ्ज़ आपने वहाँ भी पढ़ा था सूरतुल हाशिया में, गैरा नहीं, मुतजानिफिन माइल होने वाला, ली इस्मिन ली तरफ, इस्म गुनाह के, फ़इन्ना फ तो, इन्ना बेशक, अल्लाह अल्लाह, गफूरुन बख्शने वाला, रहीमुन नहायत रहम करने वाला है। रवा तर्जुमा रनिंग ट्रांसलेशन आयत नंबर 3, आयत नंबर 3 का रनिंग ट्रांसलेशन। और ना उन लोगों की जो बैतुल्लाह के कसद से अपने, नहीं ठहरे, आयत नंबर 3, तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, ठीक है, ठीक है। अब इसका मतलब है, इस आयत का हिस्सा हम पढ़ते हैं,
तुम पर हराम किया गया मुर्दार और खून और खिंजीर का गोश्त और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया हो, हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाही। तो इसका हम देखते हैं मानी ये कि यहाँ अल्लाह ताला ने जो बताया है कि इससे मुराद मुहरमात का जिक्र शुरू हो रहा है जिनका हवाला सूरत के आगाज़ में दिया गया। आयत का इतना हिस्सा सूरतुल बकरा में गुजर चुका है। उसके बाद हम देखते हैं जो गला घुटने से मरा हो, तो हम देखते हैं वल वल मुन खनीफा। तो आप स्क्रीन पे देखें तो ये अलग अलग हम देखते हैं वटुवट, इसका पिंक सा स्क्रीन आएगा। हुर्रिमत हराम किया गया, अलैकुम तुम पर, मई तता को देखें मुलाहिजा फरमाइए मुर्दार, मई तता अल मुर्दार, ठीक है, व दमा और खून, व लहमा गोश्त, अलखिंजीर खिंजीर का यानी उसका पिक का पोक, व और माँ जो उल्ला पुकारा गया, ली गैरी वास्ते वास्ते गैर अल्लाह अल्लाह की वास्ते गैर अल्लाह के भी उसको। अब दूसरी स्लाइड देखें कि कौन कौन से हराम किए गए हम पर, ठीक है। पहले तो बताया गया कि तुम पर हराम किया गया मुर्दार जो मराबा जानवर हो, और खून खून भी नहीं पी सकते हराम है, और खिंजीर का गोश्त पिक का गोश्त, और जिस पर अल्लाह के सिवा दूसरे का नाम पुकारा गया, अल्लाह का नाम ना पुकारा गया हो, किसी वली औलिया अल्लाह किसी का नाम पुकारा गया हो। और अब देखें दूसरा इमेज देखें स्क्रीन पे, वल मुन खानी कतु और गला घुट कर मरने वाला, गला घुट कर मरने वाला जानवर वो भी हराम है, उसको नहीं खा सकते। वल मोकू जतु और चोट लगकर मरने वाली वो भी नहीं खा सकते। वल मुतरद दियतु और बुलंदी से गिरकर मरने वाला जानवर वो भी नहीं खा सकते। वन नती हतु और सींग लग कर मरने वाले जानवर, एक दूसरे को सींग मार देते ना। वमा अकल सबो और जिसे खा जाए दरिंदा, सबो कहता है दरिंदा, दरिंदा चीर फाड़ करके खा ले और छोड़ दे, उसको हम नहीं खा सकते वो जानवर। व और माँ जो जुबीहा जबा किया गया, अलन नसुबी आस्थानों पर, जो आस्थानों पर नसब जबा किया गया, इल्ला मगर माँ जिसको जक्कई तुम जबा कर लिया तुमने, ठीक है। अब इसकी हम तफसीर देखते हैं कि ये कौन से जानवर हैं, क्या अल्लाह ताला फरमा रहे हैं। चले मैं बात करती हूँ एक सबका बारी बारी। अच्छा अब हम देखते हैं जो गला घुटने से मुराद क्या है। गला कोई शख्स घोंट दे या किसी चीज़ में फंस कर खुद गला घुट जाए, किसी जानवर का कोई गला घोंट दे और बेचारे वो इधर उधर चढ़ रहे तो जानवर को तो अकल ही नहीं होती है, तो वो किसी चीज़ में फंस जाता है और गला घुट जाए। अब हमें वो मिला कहीं मरा हुआ, हम कहें चलो उसको खा लें, तो हम नहीं खा सकते, चाहे वो बकरी हो गाय हो कोई भी हो। दोनों सूरतों में मुर्दा जानवर हराम है, किसी ने पत्थर लाठी, अच्छा फिर दूसरा है, और जो किसी ज़रब से मर गया हो, यानी जो जानवर किसी मार से किसी ज़रब से मर गया, यानी किसी ने पत्थर लाठी या कोई और चीज़ मारी जिससे वो बग़ैर ज़बा किए मर गया, उसको भी नहीं खा सकते। ज़माना जाहिलियत में ऐसे जानवरों को खा लिया जाता था, शरीयत ने इससे मना कर दिया था, ठीक मना कर दिया है। बंदूक का शिकार किए हुए जानवर के बारे में उल्मा के दरमियान इख्तलाफ है। इमाम शोकानी ने एक हदीस से इस्तदलाल करते हुए बंदूक के शिकार को हलाल कर दिया, यानी अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर गोली चलाई गई और शिकार ज़बा से पहले मर गया तो उसका खाना इस कॉल के मुताबिक हलाल है। फिर हम देखते हैं और जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, ठीक है, जो ऊंची जगह से गिरकर मरा हो, यानी चाहे खुद गिरा हो या किसी ने पहाड़ वगैरह से धक्का देकर गिरा दिया गया, ऐसा जानवर भी हराम है। इतनी तफसील माशाल्लाह हमने कभी नहीं पढ़ी होगी। और जो किसी के सींग मारने से मरा हो, यानी किसी ने उसे टक्कर मारी और बग़ैर ज़बा किए वो मर गया, ठीक है, तो वो जानवर भी निकला। और जिसे दरिंदों ने फाड़ खाया हो, यानी शेर चीता भेड़िया वगैरह, कछलियों से शिकार करने वाले दरिंदों में से किसी ने उसे खाया हो, तो ऐसा जानवर भी हमें कहीं मिले तो हम नहीं खाएंगे। लेकिन उसे तुम ज़बा काट डालो तो हराम नहीं, और वो मर गया हो, ज़माने जलद में मर जाने के बाद ऐसे जानवर को खा लिया जाता था। अब फरमाया जा रहा है लेकिन उसे तुम ज़बा कर डालो तो हराम नहीं। जमूर मुफसरीन के नज़दीक ये इस्तिस्ना
तमाम मस्कुरा जानवर के लिए है, यानी दरिंदों का खाया हुआ अगर तुम उन्हें इस हलाल में पालो कि उनमें ज़िंदगी के आसार मौजूद हो, और फिर तुम उन्हें शरीय तरीके से ज़बह कर लो तो तुम्हारे लिए उनका खाना हलाल होगा। ज़िंदगी की अलामत यह है कि ज़िबा करते वक्त जानवर फड़के और टांगे मारे। अगर छुरी फेरते वक्त ये इस्तराब और हरकत ना हो तो समझ लो ये मुर्दा है। अगर आप छुरी फेरते हैं और ये अलामत ना हो कि उसमें क्या हो, वो क्या करे, ज़िंदगी की अलामत ज़बह करते वक्त जानवर फड़कता है ना, टांगे मारता है, तो फिर जो है ये इस्तराब और हरकत है, यानी वो क्या करता है, फड़कता है और टांगे मारता है, तो वो हलाल है छुरी फेरते। अगर वो फड़कता नहीं, टांगे नहीं मारता, तो वो मुर्दा है, तो ज़िबा तो वो नहीं, वो हलाल नहीं, मुर्दा। ज़िबा का शरी तरीका ये है कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़कर तेज़ धार आले से उसका गला उस इस तरह के काटा जाए कि रगे कट जाएं, पूरी रगे कट जानी चाहिए। ज़बा के अलावा नहर भी मशहूर है, जिसका तरीका ये है कि खड़े जानवर के लिए पर छुरी मारी जाए, ऊँट को नहर किया जाता है, ऊँट को नहर किया जाता है, ऊँट को खड़ा ही रखा जाता है, जिससे नरखरा और खून की खास रगे कट जाती, नरखरा और खून की जो खास रगे वो कट जाती और सारा खून बह जाता है। और आजकल सब इस तरीके पे आ गए हैं, साइंस ने भी बता दिया है, जो ज़बिया नहीं खाते थे मुसलमानों के अलावा, वो लोग भी ज़बिया खाने लगे हैं, ज़िबा करते हैं, कि उनकी समझ में ये बात आ गई है कि तमाम जो है खून निकल जाता है और जो है सब गंदगी निकल जाती है। उसके बाद फरमाया कि और जो आस्थानों पर ज़बह किया गया हो उसको भी नहीं खा सकते। अब आस्थानों पे कौन से ज़बह किए थे? मुशरिकीन अपने बुतों के करीब पत्थर या कोई चीज़ नसब करके एक ख़ास जगह बनाते थे, जिसे नसबुन थान या आस्ताना कहते थे। इस पर वो बुतों के नाम नज़र किए गए जानवरों को ज़बह करते थे, यानी ये कि वमा उहिल्ला बिही ली गैरिल्लाही ही की एक शक्ल थी। इससे मालूम हुआ कि आस्थानों, मकबरों, दरगाहों पर जहाँ लोग तलब हाजात के लिए जाते हैं, वहाँ मदफून अफराद की खुशनूदी के लिए जानवर, मुर्गा वगैरह, बकरा वगैरह ज़बह करते हैं या पकी हुई देगें तकसीम करते हैं, उनका खाना हराम है। वमा जुबिहा अलन नुसुब में दाखिल है, ये जो आप पढ़ें। और ये भी कि खुरा के तीर के ज़रिए फालगिरी करो, यानी क्या मतलब है कि इसके दो मानी किए गए हैं, एक तीरों के ज़रिए तकसीम करना, दूसरे तीरों के ज़रिए किस्मत मालूम करना। पहले मानी की बिना पर कहा जाता है कि जुए वगैरह में जुबा शुदा जानवर की तकसीम के लिए तीर होते थे, जिसमें किसी को कुछ मिल जाता, कोई महरूम रह जाता था। दूसरे मानी की रूह से कहा गया कि अजलाम से मुराद तीर हैं, जिनसे वो किसी काम का आगाज़ करते वक्त फाल लिया करते थे। उन्होंने तीन किस्म के तीर बना रखे थे, एक अफल यानी कर, दूसरे में लात अफल ना कर, और तीसरे में कुछ नहीं होता था। अफल वाला तीर निकल आता तो वो काम कर लेते थे, और लात अफल वाला निकलता तो ना करते, और तीसरा तीर निकल आता तो फिर वो दोबारा फाल निकालते। ये भी गोया कहानत है, इस्तिमदादुन बिगैर अल्लाह की शक्ल है, इसलिए उसे भी हराम कर दिया गया है। इस्तफसाम के मानी तलब किस्मत है, यानी तीरों से किस्मत तलब करते थे, तीरों से किस्मत तलब करना ये भी गुनाह है, ये भी नहीं करना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि बताया जा रहा है यहाँ पर कि ये सब बदतरीन गुनाह गुनाह है। आज कुफार तुम्हारे दीन से ना उम्मीद हो गए, खबरदार तुम उनसे ना डरना और मुझसे डरते रहना। आज अल यौमा अकमल तू लकुम दीनकुम, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन को कामिल कर दिया और तुम पर अपना इनाम भरपूर कर दिया, और तुम्हारे लिए इस्लाम के दीन होने पर रजामंद हो गया। बस जो शख्स शिद्दत की भूख में बेकरार हो जाए, बशर्ते ये कि किसी गुनाह की तरफ उसका मैलान ना हो, तो यकीनन अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और बहुत मेहरबान है। यानी ये भूख की इस्तरारी कैफियत में मस्कूरा मोहरमात के मोहरमात बताएगी ना कि नहीं खा सकते, लेकिन अगर कुछ चीज़ खाने की मिल ही नहीं रही है और इस्तराब की बेकरारी की सी कैफियत है और मौत का आलम है, यानी कुछ खाए बगैर चारा ही नहीं है, तो फिर ये भूख की इस्तरारी कैफियत में ये सारी मोहरमात जिनके खा उनकी जो मना की गई थी उनके खाने की इजाज़त है, बशर्ते कि मकसद अल्लाह की नाफरमानी और हद से ज़्यादा तजावुज़ करना ना हो, सिर्फ जान बचाना मतलूब हो। तो इसको हम और देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, थोड़ी सी और तफसीर कर लेंगे तो समझ में हमारे आ जाएगा। ठीक है,
आयत नंबर 3, हुर्रमत हुर्रिमत अलैकुमुल मैतता वद्दमा वलहमुल खिंजीरी वमा उहिल्ला लिगैरिल्लाही बिही वलमुनखनिफतु वलमौकूदतु वलमुतरद्दियतु वन्नतीहतु वमा अकलस सबू इल्ला मा ज़क्कैतुम, तुम पर हराम किया गया मुर्दार यानी जो मर जाता है, यानी उन जानवरों की डेड बॉडीज़ जिनको वैसा खाना हलाल है, अगर वो मर जाए डेड बॉडीज़ हो जाएँ तो नहीं खाना, खून यानी बहता खून भी नहीं खाना, खून हमारे लिए हराम है। सुअर का गोश्त, वो जानवर जो अल्लाह के, वो हराम है सुअर का गोश्त, वो जानवर भी हराम है जो अल्लाह के सिवा, जो जो वो जानवर जो अल्लाह के अलावा किसी और नाम पर ज़बह किया गया हो, किसी पीर फकीर के नाम पर या किसी और बुजुर्ग के नाम पर, तो उसको भी नहीं खाया जा सकता, वो भी ऐसा ही हराम हो जाता है जैसे सुअर का गोश्त हराम है, क्योंकि दोनों का जिक्र साथ किया गया। किसी भी हलाल जानवर को उस वक्त खा सकते हैं जब उसको ज़बह करते वक्त अल्लाह का नाम लिया गया हो। बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर ज़बह करने की शराइत में आता है अल्लाह का नाम लेना, बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर गले पर छुरी फेरी जाती है और खून बहाया जाता है। ये दो अहम शराइत है, नंबर 1 बिस्मिल्लाह अल्लाह अकबर कहकर गले पर छुरी फेरी जाती है, और नंबर 2 दूसरी शर्त है खून बहाया जाता है और जो तो वो हलाल है, और जो गला घुटकर मर जाए यानी कि वल मुन खलीफतु वो भी हराम है। जो चोट वो जरा पिंक वाला खोल दें, पिंक वाला खोल दें, और जो पिंक वाला स्क्रीन ले आए, और जो चोट खाकर मर जाए वल मौकूज़तो, ठीक है, चोट खाकर मर जाए वो भी हराम है। फिर वल मौकूज़तो जो बुलंदी से गिरकर मरे वो भी हराम है। वल मुतरद्दियतु टक्कर खाकर मरा हो वो भी हराम है। वन नतीहतु जिसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो, ठीक है, वमा अकल सबू यानी उसे किसी दरिंदे ने फाड़ा हो फिर छोड़ दिया हो जैसे शेर शिकार करता है, वो भी हराम है, सिवाय उसके जैसे जैसे तुमने जिंदा पाकर जिसे तुमने जिंदा पाकर ज़बह कर लिया हो। अभी आपको समझाया गया था ना, मैंने समझाया था कि वो जिंदा हो, उसमें इस तरह भी कैफियत हो, वो हिलजुल रहा हो, पैर हिला रहा हो, तो वो मुर्दा नहीं है तो उसको ज़बह कर सकते हैं। और जो किसी आस्ताने पर ज़बह किया गया हो, किसी की कब्र पर ज़बह किया गया हो, किसी मज़ार पर ज़बह किया गया हो, वो हराम है। नीज़ ये भी तुम्हारे लिए जायज़ नहीं नाजायज़ है कि पासों के ज़रिए से अपनी किस्मत का हाल मालूम करो, जिस तरह मुशरिकीन अपने बुतों के करीब नसब थान या आस्ताना बनाते थे, उस पर बुतों के नाम पर नज़र किए गए जानवरों को ज़बह करते थे, तो वो भी मालूम मना है। नीज़ ये भी तुम्हारे लिए नाजायज़ है कि पासों के ज़रिए अपनी किस्मत का हाल मालूम करो, किस्मत के हाल मालूम करना भी हराम है, हुरमतों की पासदारी करो। ये नबी ससम ने फरमाया, जिसने किसी नजूमी के पास जाकर उसे किसी चीज़ के बारे में सवाल किया कि यानी कि जो किसी नजूमी के पास यानी गैब की खबरें देने वाले के पास जाकर उससे जाकर किसी चीज़ के बारे में पूछा तो उसकी 40 रात की नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। मसलन कोई जाता है, कहता है चोर का नाम बताओ, अब वो क्या करता है, वो जादूगर बता देता है फ़लाँ चोर है फ़लाँ वो माँ, वो और एक गुनाह करवाता है, बोतान तराशी करता है, पता भी नहीं होता है बता देता है, तो उसकी 40 रात की नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। इसका ये मतलब नहीं कि 40 दिन अब नमाज ना पढ़ी जाएगी, वो जो पिछली पढ़ी हुई हैं उनमें 40 को ख़त्म किया जा सकता है। तो ये कितना बड़ा जुर्म है जो हमारे माशरे में कितना आम है। कहीं हम देखते हैं कि हफ़्ता कैसे गुजरेगा, फिर जो है अब तो अखबार और वो तो छोड़ें, अब तो मोबाइल पे आ जाते हैं सारी चीज़ें कि हफ़्ता कैसे गुजरेगा, हॉरोस्कोप देखते हैं हम, और वो हर बार एक ही बात बता रहे होते हैं, एक ही चीज़ आ रही होती है ना। तो ये चीज़ें हमें नहीं देखनी है कि हमारा हफ़्ता कैसा गुजरेगा, और फिर अखबारों में रिसालों में अब तो वो चीज़ें चली गई हैं, बल्कि हम उस पर देख लेते हैं मोबाइल पर, बास टीवी चैनल्स पर इस तरह की बातें जा रही होती हैं, कहीं इस्तखारे के ज़रिए से गैब का इल्म मालूम किया जा रहा होता है। इस्तखारा करवाया नहीं जाता, इस्तखारा ख़ुद करें, ठीक है ना। मैं कहीं बच्ची का रिश्ता कर रही हूँ, अब मैं इस्तखारा करती हूँ कि फ़लाँ लड़का जो मेरा दामाद बनने वाला बेटी के लिए कैसा होगा, तो मैं कैसे इस्तखारा, वो तो मैं सास हूँ मेरे से लिए अच्छा होगा, मैंने इस्तखारा किया, अब वो बेटी को अगर दुख दे तो वो तो फिर मेरे लिए अच्छा है ना,
तो जिसका जिसकी हाजत होती है वो खुद इस्तखारा करे, और कोई ऐसा इस्तखारा नहीं है जिसे वो कहते हैं हम इस्तखारा करके गैब का हाल मालूम करेंगे। और कहीं हॉरोस्कोपी पर मबनी कुछ किताबें छापी होती हैं या रिसालों वगैरह में होता है, अब तो रिसाले और वो तो छोड़े, अब तो क्लिक क्लिक का चक्कर है। कुछ लोग हाथ देकर बताते हैं कि ये जो तुम्हारे अंगूठे के पास जो गोल लंबी लकीर लंबी जा रही है तो तुम्हारी उम्र लंबी है वगैरह वगैरह, कुछ किसी और तरीके से। तो किसी भी गैब की खबर देने वाले के पास जाना आमाल को बर्बाद करना है, अव्वल तो ये जाना ही नहीं चाहिए। और किसी से ऐसे ही टक्कर हो जाए, कुछ नहीं पूछ तो भी ना पूछे, क्योंकि वो इतना एक्साइटमेंट का वक्त होता है कि लोग आम तौर पर अपनी पार्टियों में अपनी मजलिसों में बुला लेते हैं किसी ऐसे नजूमी को। फिर खूब शुगल लगा रहता है, एक पूछ रहा होता है, दूसरा पूछ रहा होता है, ठट्टेबाजी हो रही होती है, इंजॉयमेंट हो रही होती है। बाज़ लोग तो फन फेयर, मीना बाज़ार, ईद फेयर वगैरह में स्टॉल जो बुटीक के स्टॉल्स होते हैं उनके लिए लगा लेते हैं। फिर नजूम वहाँ भी एक स्टॉल रख लेते हैं नजूमी के लिए, कि एक पामिस्ट को बिठा देते हैं। अगर अचानक भी कोई चीज़ सामने आ जाए तो उससे भी अपने कान लपट कर आँखें बंद करके दूसरी तरफ निकल जाए, क्योंकि ईमान को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं, इबादात को बर्बाद करने वाली चीज़ें हैं। और क्या, तो ये चीज़ें नहीं करना चाहिए हमें, ठीक है। और बाद लोग दूर से कोई हाथ उठाए तो फिर पढ़ लेते हैं और फिर दूसरों से भी जिक्र करते हैं, तो ये सारी चीज़ें ममनू हैं, हराम है। तो हमें हुरमतों की पासदारी करनी है। उसके बाद वान तस्तकसिमू बिल अज़लाम, और अल अज़लाम से मुराद तीर हैं, और ये कि पासों के ज़रिए अपनी किस्मत का को मालूम करो, यानी तीरों के ज़रिए जुए वगैरह से मना किया गया है। तो हमारे यहाँ इस्तखारा किया जाता है, दौरे जाहिलियत में कुछ तीर रखे हुए होते थे, काबा के पास एक पर लिखा होता था इफल यानी कि करो, दूसरे पर लिखा होता था ला तफल। तो जब पूछना होता कि ये काम करें या ना करें तो जाकर इस तीर को गिराया जाता, अगर उसमें अगर ला तफल ऊपर आ जाता तो कह दिया जाता कि ये काम ना करो। बाज़ लोग परिंदे उड़ाकर किस्मतें बताते हैं, जाता परिंदा उड़ाया कि अगर परिंदा दाईं तरफ गया तो काम कर लेना, बाईं तरफ परिंदा उड़ाकर गया तो बाईं तरफ गया यानी उल्टे हाथ की तरफ गया तो काम नहीं करो, सीधे हाथ की तरफ परिंदा गया तो काम करो। तो जितनी भी किस्में हैं जो हम सभी अभी पढ़ते आए, किसी भी तरह गैब की खबरें मालूम करनी, ख्वाह तोते के ज़रिए हो, कबूतर के ज़रिए हो, और किसी और ज़रिए के ज़रिए हो। फरमाया अल्लाह ताला ने इस आयत में ज़ालिकुम फिस्क, ये फिस्क है, ये नाफरमानी के काम है, गुनाह के काम है, ठीक है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो शख्स काहिन या नजूमी के पास जाए और उसकी बातों की तस्दीक करे तो गोया उसने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाली शरीयत का इनकार किया। इसको मसनद अहमद ने रिवायत किया, यानी गोया उसने दीन का इनकार कर दिया, ये शरई कुफर में शामिल हो गया। तो ये मेरी बहनों कोई मामूली बात नहीं, ये फ़न फॉर फन सेक भी नहीं करना है, ये इंजॉयमेंट नहीं है, ये हराम चीज़ है। अलयौमा यईसल्लज़ीना कफरू मिन दीनिकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी, आज काफरों को तुम्हारे दीन की तरफ से पूरी मायूसी हो चुकी है, यानी जो लोग इन दरअसल वाकई मजबूत ईमान के लोग हैं। ऐसे मजबूत कैरेक्टर के लोग दूसरों के लिए बड़ी परेशानी का बाइस बन जाते हैं, क्योंकि जो लोग ये काम कर रहे हैं मीना बाज़ारों में स्टॉल कर लगा रहे हैं, उस पर पैसा खर्च कर रहे हैं, वो तो हमें बेवकूफ़ कहेंगे ना कि देखो इतना पैसा कमा सकते हो तुम, ऐसी बातें कर रही हो कि ये ना करो। तो ऐसे मजबूत कैरेक्टर के लोग हमें अल्लाह ताला बना दे कि सारी किस्में जो है फिस्क की नाफरमानी की वो हम ना करें, गैब का हाल ना मालूम करें। ऐसे मजबूत कैरेक्टर के लोगों से दूसरों के लिए तो ऐसे मजबूत कैरेक्टर के लोग दूसरों के लिए परेशानी का बाइस बनते हैं। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फ़ला तख्शौहुम, जब वो तुम पर इल्ज़ाम तराशी करें कि तो बड़े अल्लाह वाले बन गए, बड़े दीनी बन गए, अब तो ये नहीं आएंगी इस ऐसे स्टॉल पर, ऐसी जगह पे, ये वहाँ के हाथ भी नहीं दिखाएंगी, किस्मत के हाल भी नहीं मालूम, फिर टेबल पे ग्लासेस रखे जाते हैं, वो कह रहे हैं कि रूह आ जाती, वो भी एक चीज़ खेली जाती है कि देखो रूह आ गई। रूह तो कभी नहीं आती, वो तो इल्लीन में है बदरूह, और अच्छी रूह इल्लीन में है, और बदरूह जो है सिज्जीन में है, वो तो कभी नहीं आएगी दुनिया में। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं फला तख्शौहुम, तुम उनसे मत डरो, अगर वो तुम पे इल्ज़ाम तराशी करें, बातें बनाएं, तो उनसे मत डरो, तो उन लोगों से ना डरो। वख्शौनी,
और मुझसे डरो, यानी अल्लाह से डर कर किसी के दबाव में आकर ऐसा कोई काम नहीं करना। अलयौमा यईसल्लज़ीना कफरू मिन दीनकुम फला तख्शौहुम वख्शौनी अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लामा दीना, आज मैंने तुम्हारे दीन को तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और अपनी नेमत तुम पर तमाम कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को तुम्हारे दीन की हैसियत से कबूल कर लिया है, लहजा अहराम और हलाल की क़ुयूद तुम पर आयद की गई हैं, उनकी पाबंदी करो। तो इससे पता चलता है कि हमारा दीन मुकम्मल कर दिया गया। कोई चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी नहीं छोड़ी जिसके हमें ज़रूरत थी कि आप बताना भूल गए हो, ऐसा नहीं हो, नाउज़ु बिल्लाह, आपने हर चीज़ बता दी। अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह उन्होंने फरमाया, जो चीज़ तुम्हें जन्नत से करीब कर सकती है और जहन्नुम से दूर कर सकती है, तुम्हें उसका हुक्म दे दिया गया। असिलसिलतु सहिया की हदीस है, हर चीज़ के बारे में बता दिया गया है, हर वो काम मौजूद है। ये अलग बात है कि हम जाहिल हों, हम उसको ना पढ़ें और ना जानने की कोशिश करें, वरना तो सब कुछ बता दिया गया। अब जो जन्नत में जाना चाहते हैं उसके लिए भी अहकाम साफ साफ मौजूद हैं कि क्या क्या काम करके तुम उसकी तरफ जा सकते हो, और जो जहन्नुम से बचना चाहते हैं उसके लिए भी सारी अलामत मौजूद हैं। दूसरी बात ये पता चल रही है कि इस आयत से कि दीन में कोई नई चीज़ की गुंजाइश नहीं, किसी नई चीज़ को नबी ससन से साबित ना हो उसे दीन में दाखिल नहीं किया जा सकता। दीन के नाम पर हो, चाहे इबादत के नाम पर हो, चाहे अकीदे के नाम पर हो, कोई चीज़ दीन में हम नई शामिल नहीं करनी। इमाम मालिक रहमतुल्लाह कहते हैं, जिसने इस्लाम में बिदत ईजाद की और उसे अच्छा समझा, तो उसने ये समझा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पैगाम रिसालत में खयानत की है, हम ये समझेंगे। नाउज़ु बिल्लाह, आप ससम ने तो पैगाम रिसालत में कोई खयानत नहीं किया, आप ससम ने तो अमान हु बहु जैसे अल्लाह ताला ने फरमाया वही नाजिल की, वैसे ही सब हमें बता दिया। तो कितना आसान कर दिया है हमारे लिए दीन को, सिर्फ उतना लो जो वहाँ दिया गया है, उसके बाद जो लोगों ने दीन के नाम पर चीज़ें गढ़ी हैं उन सबको एक तरफ रख दो, सारे बोझ उतार दो, क्योंकि वो सारे बोझ ही होते, क्योंकि नबी ससम आए ही इसीलिए थे कि यहूद और नसारा ने दीन में तब्दीलियां की थी और लोगों ने अपने ऊपर बेवजह की जकड़बंदियां और बोझ आयद कर लिए थे, उनसे उनको निकाला जाए। लेकिन अफसोस है कि ये लोग दीन के नाम पर फिर इसी मुश्किल का शिकार हो गए। हमेशा एक सवाल हमें देखना चाहिए कि हमारे सामने जो चीज़ आए तो हमें ये देखना है, सामने आए कि कोई आपको कुछ करने को कहे कि ये करें, तो सोचें कि क्या अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया। नंबर वन क्या सोचेंगे मैं और आप कि क्या अल्लाह ताला ने उसका हुक्म दिया है। नंबर दो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसका हुक्म दिया है। नंबर तीन क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको किया है या करने का हुक्म दिया है। और नंबर चार क्या करने का हुक्म दिया है। नंबर पाँच या आपके होते हुए किसी और ने किया है और क्या आपने इसको पसंद किया था अपनी ज़िंदगी में। नंबर छः या फिर ये कि सहाबा कराम रिजवानुल्लाह ताला अजमईन ने जो आप ससन के तरबियत याफ्ता थे उनमें से किसी ने आपके बाद की कोई ऐसा काम किया है। फिर नंबर आठ या ताबईन ने किया है या सहाबा के तरबियत याफ्ता तबा ताबईन ने किया है, क्योंकि वो गुरु थे जिनके बारे में आप ससन ने फरमाया। अव्वल तो जो काम सबसे पहले आप ससन क्या काम, फिर सहाबा, फिर ताबईन, फिर तबा ताबीन, ये सारे काम अगर उन्होंने नहीं किए तो हम नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खैरुल कुरूनी करनी सुम्मल लजीना यलूनहुम सुम्मल लजीना यलूनहुम सुम्मल लजीना यलूनहुम, बेहतरीन ज़माने के लोग मेरे ज़माने के लोग हैं, फिर जो उनसे मिले फिर उनसे। इसे बुखारी ने रिवायत किया, यानी सहाबा ताबईन तबा ताबईन उनका दौर बेहतरीन दौर है। दीन की जो प्रैक्टिस उनके यहाँ पाई जाती वो हमारे लिए भी हुज्जत है, दलील है, और जो वहाँ नहीं उसको छोड़ देना चाहिए। फिर आखिर में फरमाया, और ये जो आए थे ना अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, तो किसी यहूदी ने हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा, वो फरमाया कि अगर ये आयत हमारी किताब में नाजिल होती कि आज के दिन मैंने तुम पे तुम्हारा दीन मुकम्मल कर दिया और इस्लाम के लिए तुम्हारे लिए नेमत है और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया, अगर हमारी किताब में नाजिल होती तो हम उस दिन ईद का सा समा करते, तो ईद मनाते। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि जी हमारा भी ईद का दिन था,
हम लोग अरफात में हज कर रहे थे, हज का मौका था, और आपको पता है ना 9 ज़िलहज अरफात का दिन होता है, 10 ज़िलहज को ईद होती है, तो हमें तो कुछ पता ही नहीं होता कि कौन सी आयत कहाँ नाजिल, हमें कोई बताए तो हम जवाब भी नहीं दे सकते। तो इंशाल्लाह हम लेके बैठे हैं, पढ़ रहे हैं, लोगों को भी बता रहे हैं, तो अल्लाह ताला हमें भी, अल्लाहुम्मा अल्लिमनल किताब, अल्लाहुम्मा अल्लिमनल हिकमा, अल्लाहुम्मा अल्लाह हमें किताब सिखा दे, किताब का इल्म सिखा दे, अल्लाह हमें हिकमत सिखा दीजिए, हदीस हिकमत कहते हैं हदीस का इल्म सिखा दीजिए, अल्लाहुम्मा सब्बित ना वजलना हादियम मादिया, अल्लाह हमें साबित कदम रखे और हिदायत याफ्ता का भी इनाम इमाम बना दीजिए, अल्लाहुम्मा सब्बित ना वजलना हादियम मादिया, अल्लाहुम्मा फक्कहना फिद्दीन वालिमन तावील, अल्लाह हमें दीन की फिक समझा दीजिए, दीन की समझ अता फरमा दीजिए और उसकी तावील तक, बातों की तय तक पहुँचा दीजिए। और आपके वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन में जब उमर की दुआ है वो भी पढ़ा करें ना, कि वो बहुत अच्छी दुआ है। मैंने कई बार आपको कहा चले हम दुआएं तो रोज़ सीखती सीख ही रहे होते ना, तो वो भी दोबारा डाल देंगे इसमें, सीखेंगे 10 में। फमन इस्तुर्रफ़ी मखमसतिन गैरा मुतजानिफिन गैरा मुतजानिफिन मिल इथ्मिन फ़इन्नल्लाहा गफूरुर रहीम, अलबत्ता जो शख्स भूख से मजबूर होकर इन में से कोई चीज़ खा ले बग़ैर उसके के गुनाह की तरफ उसका मैलान हो, तो बेशक अल्लाह ताला माफ़ करने वाला और रहम फरमाने वाला है। इस दीन की मेरी बहनों की खूबसूरती देखें कि इस दीन की यही खूबसूरती है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, ऐसी सख्ती नहीं कि एक चीज़ को अगर एक दफ़ा हराम करार दे गया तो इंसान अगर मर रहा हो तो उस वक्त भी उसको उसके इस्तेमाल की इजाज़त ना हो, नहीं, जान की भी एक हुरमत है। तो ऐसी सूरत में जब दो हुरमतें हों, एक तो हराम की भी हुरमत है और दूसरा जान की हुरमत है, दो हुरमतें जमा हो जाए और एक दूसरे से टकरा रही हो, तो फिर देखा जाए कि तरजीह किसको दी जाए, ज़्यादा बेहतर क्या है। ठीक है, अच्छा इसको हम अब स्क्रीन पे देख लेते हैं। आयत नंबर हमारी 3 थी माशाल्लाह, तो जी आयत नंबर 3 जी आप लोग देख चुके हैं ना स्क्रीन पे, वो जो है आप सस ने फरमाया जो चीज़ तुम्हें जन्नत के करीब कर सकती है मैंने तुम्हें उसके हुक्म दे दिया है। अल्लाह ताला ने भी सारे अहकाम दे दिए, आपने सूरतुल माईदा आयत नंबर 1 आयत नंबर 2 और 3 में सारे अहकाम पढ़े और अल्लाह ताला ने पहले ही फरमा दिया था कि औफू बिल उक़ूद, अहदों की पासदारी करो, उसको पूरा करो, प्रॉमिसेस को। और अल्लाह के रसूल ने भी फरमाया जो आप स्क्रीन में देख रही है, जो उस चीज़ तुम्हें जन्नत के करीब कर सकती है मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया है, और जो चीज़ तुम्हें जहन्नुम के करीब कर सकती थी उससे भी मना कर दिया गया। तो ये जो आयत थी ना आज की हमारा, उसमें था अलयौमा अकमलतु लकुम दीनकुम, दीन की तकमील अल्लाह का एहसान है, नबी सल्लम के ज़रिए अल्लाह ने हिदायत मुकम्मल कर दी, लोगों के लिए दीनी अहकाम में किताब व सुन्नत काफ़ी हो जाता है, इसलिए हमें इधर उधर देखने की बिदात करने की ज़रूरत नहीं है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो चीज़ तुम्हें जन्नत के करीब कर सकती है मैंने तुम्हें उसका हुक्म दे दिया, जो चीज़ तुम्हें जहन्नुम के करीब कर सकती थी उससे भी मना कर दिया। तो ये हमारी आयत नंबर 3 ख़त्म हुई, बहुत ज़्यादा डिटेल्स थी, हमारा तो टारगेट था कि हम 11-12 तक पहुँच जाएँगे, लेकिन चलें अल्लाह ताला को जैसे मंजूर होता है वैसे होता है, अल्हम्दुलिल्लाह समझ के पढ़े, थोड़ा पढ़ें लेकिन वो हमारी समझ में आ रहा हो। واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك بارك الله في علمك وعملك ورزقكم واوقاتكم واهلكم ومالكم آپ کے اللہ تعالی علم میں برکت دے آپ کے وہ دکھائیں میں اس کا ترجمہ کر رہی ہوں अल्लाह ताला आपके इल्म में बरकत दे, आपके अमल में मेरे और आपके बरकत दे, रिस्क में बरकत दे, वक्त में बरकत दे, अहल वयाल में बरकत दे, माल में बरकत दे, दुनिया और आखिरत की भलाइयाँ अता फरमाए, हम सब की मुश्किलात आसान फरमाए, हज उमरा की तौफीक बार बार नसीब फरमाए, रोज़ा रसूल की ज़्यारत अल्लाह ताला नसीब फरमा दे, बीमारों को शिफाए कुलिया कामला अजला अता फरमाए। एक और तहमीना है, उनकी बहू का फेस बहुत बुरी तरह जल गया, अल्लाह उन्हें भी शिफाए कुलिया कामला अजला अता फरमाए। मेरी वालदा पे भी अल्लाह ताला रहम फरमाए, 6 साल से बेड रिडन है, अल्लाह ताला उन पे भी रहम फरमा दे और अल्लाह ताला हिदायत के रास्ते पे चला दे। अल्लाहुम्मा सब्बितना वजलना हादिया मादिया, अल्लाहुम्मा फ़क्केना फ़िल दीन वालिमना तावील, हम सब की मुश्किलात आसान फरमा दे और अल्लाह ताला अपना दीदार नफा अता नसीब फरमाए और जन्नत फिरदौस में हमें जगह अता फरमा दे। आमीन या रब्बल आलमीन।
और आज की दुआएं हम पढ़ याद कर, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम, और आज की दुआएं हम कर लेते हैं इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा कसीरन कसीरा। तो ये गुनाहों का जो था ना हमारी दुआएं थी गुनाहों पर कि इस्म से और उद्वान से अल्लाह ताला हमें बचा ले, तो ये दुआ सजदे में भी पढ़ सकते हैं और तमाम गुनाहों के लिए भी है। अल्लाहुम्मा फ़िली ज़म्बी कुल्लुहु दिक्कुहु जिल्लुहु व अव्वलुहु व आखिरहु अलानियतहु व सिरहु। तो ये आज की हमारी दुआ है, तो इसको सजदे में भी बहुत पढ़ा करें क्योंकि इसमें तमाम गुनाहों की माफ़ी है, और वैसे भी बहुत पढ़ा करें सजदे के अलावा भी इसको पढ़ सकते। तो ये आज की हमारी दुआ थी, ठीक है, और बाकी दुआएँ हमने मांग ली अल्हम्दुलिल्लाह। भैया की बारकल्ला फी। किसी को कुछ पूछना हो, कुछ समझ ना आया हो। जी 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 बिल्कुल सही है, दो नफिल पढ़े और इस तरह। अच्छा किसी का वीडियो ऑन हो गया है जी, दो नफिल पढ़े और पहली रकत में कोशिश करें सूरतुल फातिहा के बाद कुल हय्युल काफिरून, और दूसरी रकत में आप पढ़ लें सूरतुल फातिहा के बाद कुल हुवल्लाहु अहद, फिर उसके बाद इस्तखारे की दुआ है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिका व कुदरतिका, ये वाली दुआ पढ़ लें, ठीक है जी। ओके बस दुआ कर लें। हाँ तीन दिन कर लें, एक दिन कर लें, सात दफ़ा सात बार कर लें, जिस नमाज के बाद नवाफिल होते हैं उसमें करें। फजर की नमाज के बाद नफिल नहीं होते तो इशा के बाद पढ़ लें, असर की नमाज के बाद नवाफिल नहीं होते तो फिर मगरिब के बाद पढ़ लें, इशा के बाद पढ़ लें, ठीक है इंशाल्लाह इंशाल्लाह जी। और फिर जो वो जो दुआ है ना अल्लाह माइनी।